नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके ट्रिक बाय ओंकार। और आज हम लोग फिर से प्रश्नावली 2.1 लेकर आ गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, किमी बराबर 15, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो एक चर वाला समीकरण हम लोग हल कर रहे हैं, तो पहले हम इसका नियम जान जाएंगे। तो पहला नियम ये कहता है कि जो जो प्लस या माइनस में हो वो बराबर के बाद जाकर उसका चेंज हो जाता है, उसका प्लस तो माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। और जो जो भाग में हो वो बराबर के बाद बराबर के पीछे जाकर और गुणा में हो जाता है। तो यही दो वो हम लोग जानना है, वही दो विषय पर हम लोग जानना है। तो इसको हल करेंगे, तो इसको इसमें पहले करेंगे तो 3x, इसको 3 को 3 से करेंगे तो 9 बराबर 15। फिर अगला स्टेप, 3x जो माइनस में है तो बराबर में 15 लिख देंगे और माइनस को बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो 9, तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर 15 9 24। तो अब x बराबर करेंगे तो 24/3, इसको कटा देंगे तो 8, तो x बराबर हमारा 8 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया और चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक्स माइनस 2 माइनस 7 बराबर 15, मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन को हल बहुत ही आसानी विधि से हम करेंगे। एक्स बाई 2 और बराबर में इधर ले जाएंगे 15, बराबर उस साइड ले जाएंगे तो हमको प्लस में हो जाएगा 7। तो एक्स बाई 2 और बराबर 15 7 22 कर देंगे तो एक बराबर 22 2 44 44 जो हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तो -2x/7 + 2 = 8। तो जो प्लस को है पहले उसको हम बराबर में करेंगे, तो -2x/7 बराबर करेंगे तो 8 - 2, फिर इसको ले जाएंगे तो -2x/7 = 6। और दोनों के भाग में है जो बराबर को साइड गुना कर देंगे तो -2x = 42। तो x करेंगे तो 42/2, इधर माइनस में काटेंगे तो x = 21 जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और आगे बढ़ें हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो 7 - 3x = 18, ये मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो 3x जो है माइनस में 3x है, बराबर में 18, इधर प्लस में 7 है तो उधर जाके माइनस में 7 हो जाएगा। तो -3x बराबर 11, तो 11 को -x कर देंगे तो -11/3 जो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर के 18 = 40 - 3x, यही है मेरा क्वेश्चन। तो -3x बराबर कर देंगे तो 40 है ना, तो 18 बराबर में 18 है, इधर में जाएगा तो -4, प्लस में था इधर आकर माइनस में हो गया, माइनस में हो गया। और -3x बराबर -22, -18 से 40 घटा दिए तो -22, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 22/3 जो हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन छठवां पर चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 25/6 - 9x बराबर 11, ये मेरा क्वेश्चन है। तो जो x का मान है
बोलिए इधर लेकर आएंगे 9x बराबर 11 माइनस 25 बाई 6, यही हो गया मेरा। तो माइनस 9x बराबर 11 66 माइनस 25 बटा 6, बटा को बराबर की साइड ले जाएंगे तो हमको गुणा करना है, तो माइनस 9 6 54x, 54x बराबर, इसको इधर से घटाएंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो x बराबर माइनस 41 बटा 54 जो हो जाएगा। ये हमारा आंसर बहुत ही सरल विधि से आप लोग घर पर ही बैठकर सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर का क्वेश्चन है कि 2.4 बराबर x 2.5 माइनस 1, यही है हमारा क्वेश्चन। तो बराबर को इधर हमको ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से ले जाएंगे पहले, तो 2.4 गुणे 2.5 इधर इधर बराबर हो गया, और x माइनस इसको इसको कर देंगे तो 2.5, इसको से इसको गुणा कर दिया है, इसको से इसको गुणा कर दिया है तो 2.5, तब x बराबर कर देंगे, x बराबर कर देंगे तो 2.4 2.5 दोनों को गुणा कर दिए हमको 6 प्राप्त होगा। अच्छे आज जो माइनस में है जो प्लस में हो जाएगा 2.5, एस बराबर 8.5 जो हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे ही अगर तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग यदि एक्स प्लस 10 बराबर 1, तो 3x को हम हर हाल में आगे की ही ओर रखेंगे, अब बराबर 1 है ना, एक प्लस में जो है में जाकर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे 3x बराबर 3x बराबर माइनस 1 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 9, तो हम x के वैल्यू हमारा आ गया तो माइनस 9 बटा 3 कटा देंगे तो माइनस 3 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है और नवा क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, तो 2x प्लस 22 बटा 4 बराबर 13, 2x बराबर 13 को इधर बराबर लाएंगे और प्लस को उधर माइनस में करेंगे तो 22 बटा 4, 2x बराबर 13 चुके 52, 52 माइनस 22 बटा 4, तो 4 दुनी 8 कर देंगे, 8x बराबर 30 है, 8x बराबर 30, तो x बराबर कर देंगे तो 30 बटा 8, इसको काटेंगे तो 15 बाई 4 जो हो जाएगा जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो x बटा 3 प्लस माइनस 14 बटा 3 बराबर 3 बटा 7, ये मेरा बहुत ही सिंपल विधि से हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे निकाला जाए। तो जो x का मान है उसको इधर ही हम छोड़ देंगे तो बराबर 3 बटा 7 जो प्लस में है उसको माइनस में ले जाएंगे तो इसको माइनस 14 बाई 3, इसको तो ब्रैकेट के अंदर का मान नहीं बदलता है, तो x बटा 3 हम जेब का त्यो रख देंगे और ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 7 3 का एलसीएम 21, 21 को 7 से भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, और माइनस माइनस प्लस दोनों प्लस हो गया, और 3 को 7 से भाग दिए तो हमारा 7 होगा, तो 7 में 14 से गुणा कर देंगे तो 98 हो जाएगा। तो अगला स्टेप में एक्स बाई 3 दोनों के करेंगे जोड़ेंगे तो 107 बाई 21, अब तिरछा तिरछी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 एक्स बराबर 321, तो x बराबर कर देंगे तो 321 बाई 21, तो देख रहे हैं कि 3 से ये भी कॉमन है तो 7, और 3 से ये भी कॉमन है 7 से,
इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 107/7 हमारा आंसर। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।